हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीतल्स लाइव कॉर्नर। सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ NYB आईलाइनर का रिव्यू, जो कि मैंने इसे रिसेंटली परचेस किया है purple.com से। तो चलते हैं इसकी रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की। तो ये ग्लास बॉटल में है, जस्ट एज इट इज़ है। इसके साथ मुझे कोई पैकेजिंग नहीं मिली। इसकी लुक की अगर बात करें तो इसका लुक ज़्यादा क्लासी नहीं है, सिंपल सा लुक है। इसकी क्वांटिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 6 ml, तो आपको प्रोडक्ट 6 ml मिलता है। इसकी शेल्फ लाइफ की अगर बात करूँ तो यहाँ तो इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल। ज़्यादा बिग बॉटल नहीं है, बिल्कुल स्मॉल है, एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। अगर ये गलती से गिर जाए तो ये टूट भी सकती है। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हो NYB। मैं अपने हैंड पे इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसकी टिप से बहुत ब्रॉड लाइन ड्रॉ होती है एंड इसका जड़ ब्लैक कलर है, आप देख सकते हो। हम इसकी वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट कर लेंगे और स्मच प्रूफ भी टेस्ट कर लेंगे। गाइज, अफोर्डेबल रेंज में आता है, मैंने इसे 65 rupees में परचेस किया है। तो इसकी टिप की अगर बात करूँ तो इसके ब्रिसल आपको क्लियर दिख रहे हैं या नहीं पता नहीं, पर इसके ब्रिसल फैले हुए हैं। इसके हेल्प से अच्छी लाइन ड्रॉ नहीं होती। इसके ब्रिसल या टिप आप जो भी कह सकते हो, पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी और ये ड्राई होने में 1 या 2 मिनट लेता है। तो गाइज, हम इसकी स्मच टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रहा है मेरे हैंड पे, आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये स्मच प्रूफ है। तो चलते हैं इसकी वाटर टेस्ट की तरफ। तो मैंने हैंड पे वाटर लगाया हुआ है और इजी निकल रहा है, आप देख सकते हो। तो गाइज, ये बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, 65 rupees में आपको वाटर रेजिस्टेंट नहीं मिलेगा। पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट ओके लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।